जय मसीह की। मैं पास्टर रूबेन मारंडी, आज हम सुनेंगे वी लव करने का क्या मतलब है। वी लव करने का क्या मतलब है, आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 13 और 14 पद, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। वो उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। प्रियो, विलाप एक ऐसा शब्द नहीं है जिसका हम आज अधिक उपयोग करते हैं, लेकिन यह एक अभ्यास है जो आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विलाप क्या है? विलाप परमेश्वर के प्रति दुख की एक भावुक अभिव्यक्ति है। आप परमेश्वर को पुकारते हो, आप परमेश्वर को भी चिल्ला सकते हो, आप रो सकते हो, आप चिल्ला सकते हो। विलाप आराधना का एक कार्य है जिसमें परमेश्वर के साथ बहस करना और उनसे शिकायत करना शामिल हो सकता है। एक मिनट रुके, आप शायद सोच रहे होंगे परमेश्वर से शिकायत करना क्या आराधना का कार्य हो सकता है? यह सही है, जब आप परमेश्वर के बारे में शिकायत करते हैं तो यह विद्रोह का कार्य है, लेकिन जब आप परमेश्वर से शिकायत करते हैं तो वो आराधना का कार्य है। आप परमेश्वर से जो चाहे शिकायत कर सकते हैं, परमेश्वर इसे संभाल सकते हैं। वो आपके क्रोध और नाराजगी और पछतावे और आरोपों को संभाल सकता है, क्योंकि वो पहले से ही वो सब जानता है। वो बस यही चाहता कि आप इसे अपने सीने से उतार दें। वो चाहता है कि आप इसे स्वीकार करें या उसके सामने कबूल करें। यहोवा अपने बच्चों के लिए पिता के समान है और जो उससे डरते हैं उनके प्रति वो कोमल और दयालु है, क्योंकि वो जानता है कि हम कितने निर्बल हैं। वो स्मरण रखता है कि हम तो मिट्टी ही हैं। परमेश्वर नकारात्मक भावनाओं से नहीं डरते, हम हैं लेकिन परमेश्वर नहीं है। वो चाहता है कि आप सब कुछ शोक में व्यक्त कर दे, क्योंकि वो जानता है कि जीवन केवल धूप और गुलाब नहीं है। जीवन कठिन हो सकता है, इसलिए बाइबल कहती है कि आनंद मनाने का भी एक समय होता है परंतु रोने का भी एक समय होता है। इसलिए बाइबल विलाप से भरी है। वास्तव में बाइबल में विलाप की एक पूरी किताब है जिसे विलाप कहा जाता है, जहां यिर्मयाह परमेश्वर से शिकायत करता है कि उसे यह सब गलत लगा। यिर्मयाह यरूशलेम में मंदिर के विनाश पर शोक मना रहा था और परमेश्वर ने उसे अपने बात कहने की अनुभूति दी। अधिकांश लोग सोचते हैं कि भजन संहिता पूरी तरह से धन्यवाद और प्रशंसा के बारे में है, लेकिन बाइबल में 150 भजन हैं और उनमें से 65 विलाप के भजन हैं। भजनों की पुस्तक में प्रत्येक मानवीय भावना व्यक्त की गई है। यदि परमेश्वर आपको विलाप करने के लिए प्रेरित करता है और आप नहीं जानते कि कैसे शुरू करें, तो बस भजन संहिता पर जाएं। जैसे ही आप पढ़ते हैं, हर उस कविता को रेखांकित करें जिसे आप पहचानते हैं और हर उस कविता को रेखांकित करें जो आपको प्रोत्साहित करती है। इन छादों को वापस परमेश्वर से कहे, चाहे वे स्तुति के भजन हो या ऐसे भजन जो दर्द में परमेश्वर को पुकारते हो। आपकी स्तुति और विलाप की प्रार्थनाएं आराधना है और परमेश्वर उनमें से हर एक को सुनते हैं। समर्पण करें। आप क्या आज यीशु का अनुसरण करेंगे? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए अपने भलाई साबित की है। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप अनंत जीवन के वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार है? यदि हाँ, तो इस सरल प्रार्थना से शुरुआत करें। प्रिय परमेश्वर, मेरा मानना है कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। मैं स्वीकार करता हूँ कि
मैंने पाप किया है और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों को दूर करने के लिए सूली पर बलिदान हुआ, मर गए, गड़े गए और आपने उन्हें पुनर्जीवित किया। मैं यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता और आज से प्रभु के रूप में उनका अनुसरण करना चाहता। मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें और अपनी इच्छा पूरी करने में मेरी सहायता करें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। प्रभु आज इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष थे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।